नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। और यह जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, जब जब थाना प्रभारी नोडिया बजा के चेंज होते हैं तब तब ऐसा है, भीड़ जमवाड़ा लगा रहता है। इसका सबसे बड़ी वजह है नोडिया बाजार के बिशनपुर पंचायत स्थित गुफा पहाड़ है, वो माइनिंग के लिए लीज हुआ है। और ये 2016 में भी हुआ था और 2023 में भी लीज हो चुका है। लगभग यहाँ दो माइनिंग के लिए पहाड़ लीज हुआ है, जिसका विरोध 2016 से ही लगातार यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इन लोगों का कोशिश है कि हम यहाँ पे माइंस न होने देंगे और लगातार यहाँ के जो ग्रामीण हैं माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। और यह माइनिंग से जो यहाँ का पानी का लेयर है उससे भी कम होते जा रहा है। माइनिंग से अधिकांश लोग यहाँ परेशान हैं, 24 घंटा यहाँ पे हाईवा चल परिचालन हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ के आक्रोशित हैं। और इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया गया है। और यह धरना प्रदर्शन, आपको जानकारी हुआ कि 2 से 3 दिन पहले नोडिया थाना प्रभारी चेंज हुए हैं, और थाना प्रभारी चेंज होते ही यहाँ पे माइनिंग का सुगबुगाहट चालू हो जाता है। जब जब थाना प्रभारी चेंज होते हैं तब तक माइनिंग को लेकर सुगबुगाहट चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके बगल में एक पोकलेन है, वो वहाँ पे पत्थर जो माइन संचालक है ये गाड़ी गिरा के रखे थे। आज भी जब यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि यहाँ माइनिंग के लिए 2 या 3 पोपलेन आ चुका है जो 12 मोड़ पर लगा है, जैसे ही यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि माइनिंग एक बार पुनः सुगबुगाहट शुरू हो गया है, तो इसको लेकर फिर से यहाँ के स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के मुखिया जी, खड़ा होइएगा। आपको जानकारी है कि आज माइनिंग के लिए फिर आज पोपलेन आया हुआ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ के मैं मुखिया हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार भारती हुआ। अब ये जो माइनिंग का जो मामला जो अवैध रूप से यहाँ खोला जा रहा है माइंस माफियों के द्वारा, ये हम लोग तकरीबन 2.5 साल से इसका पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ यहाँ के पंचायत के, तो आप देख सकते हैं कि पंचायत के तमाम लोग यहाँ पे हैं। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे ये माइनिंग खोला जा रहा है अवैध रूप से, यहाँ पे माइनिंग के जस्ट बगल में लगभग 200-300 फीट दूरी पर हाई स्कूल विद्यालय है, और बगल में जो है से मिडिल स्कूल विद्यालय है, दो दो पंचायत भवन है, साथ ही साथ जो मेरा पंचायत सचिवालय इसके जस्ट बगल में है। आपको बताना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाले भूया समाज के लोग कम से कम 30-40 घर जो है से जहां माइनिंग हुआ उसके अंडर भी उनका घर है। इसके बावजूद भी जो है से ऊपरी जो अधिकारी उनसे मिली भगत करके जो है से यहाँ पर माइनिंग खोला जा रहा है। जो माइनिंग होता है, माइनिंग से पहले ग्राम सभा होता है, आपको जानकारी होगा ही, तो ग्राम सभा करके दिया तो माइनिंग पास हुआ। देखिए ग्राम सभा की जहाँ तक बात है, तो जिस समय ग्राम सभा हुई थी उस समय मैं मुखिया नहीं था। आप मुखिया नहीं था, आपको जानकारी तो होगा? हाँ जानकारी हुई थी कि जो ग्राम सभा जो है से हमको लगता है कि शायद मुखिया जी किए कि नहीं किए, लेकिन अभी के डेट में फर्जी ग्राम सभा भी होता है, हो सकता है कि माइंस माफिया फर्जी ग्राम सभा करके भेज दिए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जो ग्राम सभा हुआ था फर्जी तरीके से ग्राम सभा करके यहाँ के लोगों को बिना जानकारी के पास कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ महिला लोग भी हैं, महिला लोग से हम बात करेंगे किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? सचिया क्या दिक्कत हुआ, मुआवजा ना मिले? मुआवजा नहीं मिले क्योंकि हम लोग यहाँ जनता पब्लिक 5,000 मकान हम लोग के गिनने ही नहीं पाएंगे। बगल में स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, भवन पंचायत है, हम लोग को पानी की दिक्कत होता है, तो यहाँ पत्थर पहाड़ है, इन लोग माइंस खोलने के चक्कर में लगल है, लेकिन हम लोग खोलने नहीं देंगे, हम लोग मार मिट जाएंगे लेकिन खोलने नहीं देंगे। क्या बात है, सब कुछ हो जाएगा, जान दे देंगे, लेकिन यहाँ पे हम माइनिंग नहीं खोलने देंगे। और ऐसा ही हम एक दो और हम व्यक्ति से बात करेंगे कि आखिर ये 2-3 साल से संघर्ष चल रहा है, क्या सक्सेस मिल रहा है या फिर लास्ट तक ये चालू हो जाएगा? तो अब हम बात करेंगे यहाँ के समाजसेवी हैं और यहाँ के जो नेता कह सकते हैं या जो धरना का नेतृत्व कर रहा है, तो हम रोशन जी से बात करेंगे कि मामला क्या है। रोशन जी, आप क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से माइनिंग रुक जाएगा? सबसे पहले एसएसपी न्यूज को मैं अपनी ओर से, अपने पंचायत की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रखर रूप से आप जो है इस माइंस की लड़ाई को आप आवाज़ उठाने का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। कहने का तात्पर्य है कि जो बिशनपुर का जो माइंस लीज हुआ है, जो पट्टा खनन हुआ है, क्या माइंस अवैध तरीके से हुआ, जो जमीन सीलिंग में प्राप्त है वही जमीन, जो जमीन सीलिंग में प्राप्त है नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा।
माइंस नहीं खुलने देंगे। निष्पक्ष है, एकदम निष्पक्ष रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं है। बाहर से माफिया लगा के हम लोग आते के साथ दिन को हम और दिल से दिल मिलाना हमको भी आता है। आप लोग हमारी जन है और आप से चल रहा है थाना सर, हम लोग के आश्वासन नहीं जाए तो नहीं जाए, यही सर हम लोग आना प्रॉब्लम है। हम सब रुकवाए कि नहीं रुकवाए, ठीक है रुकवाए, लेकिन फिर हमको सहयोग करिए। अभी नए नए आए, पूरा सहयोग में हम पूरा सहयोग रहेगा सर, पूरा एक चीज कहेंगे सर, एक चीज कहेंगे, जाम तोड़ा रहे हैं, ठीक है आपकी बात को मान लीजिए। रात में अगर माध्यम संरक्षण से अगर आगा तो उस समय सर एक हम आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं सर, ऐसा भी बात नहीं है, तो उस समय चाहे आर पार चाहे जो भी हो आपके माध्यम से हो, आपके माध्यम से हो, हमारे माध्यम से हो, जाकि सर हम लोग नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं है। तो आपसे यही आग्रह है और उम्मीद है कि आप इसको कीजिए।